तो जरूर कुत्ता कितना सीधा हो मगर घुराई तो जरूर गदहक साबुन से नहुआ वो घूर बजाई तो जरूर जी साप के कितना दूध पियाओ मगर डसी खाई तो जरूर साप के कितना दूध पियाओ मगर डसी खाई तो जरूर निम्बिया में कितनी ऊंची ले डारो मगर करुआई तो जरूर शराबी कितना समर कबाले जीभा लड़खड़ाई तो जरूर शराबी कितना समर कबाले जीभा लड़खड़ाई तो जरूर बकरी कितनी अघानी होए पत्ता खाई तो जरूर करी कितनी अघानी होए पत्ता खाई तो जरूर भक्तो करेला वैसे भी कड़वा था अब तो नीम पे बोल गया क्योंकि अब तो अकेले हो गया भक्तो उसको कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं भोजराज कंस को अब मन की माना जो दिल करता है सो करता है अपने 1400 चमचाओं को ले लेता है अब घरों घरों में टैक्सों को लेने लगा प्रेक्षक जी टैक्सों को कैसे ले रहा है अब घरों घरों में जाने लगा ए भैया तुम्हारे वहाँ कितने लोग है पांच लोग हैं ये बताओ तुम्हारे में तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शादी हो गई है शादी हो गई अब पांच बच्चा छह पत्नी अच्छा शादी हो गई विवाह विवाह है भाऊ शादी हो गई विवाह नहीं हुआ है ये बताओ बच्चे कितने बच्चे हैं 17 अच्छा 17 है तो ऐसा करो तुम्हारा 1000 का बिल हुआ महाराज हम तो 1 रुपया ना है जब परिचित रहे तो दो ही ना है अगर नहीं दोगे टैक्स तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा जेल में अगर तुम नहीं दोगे टैक्स तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा और जब टैक्स दे देना फिर तुमको जेल से निकाल दूंगा बरी कर दूंगा हाँ। जो इतने शब्द कहता है अब घरों घरों में टैक्सों को मांगने लगा भैया गरीब हो या अमीर हो भोजराज कंस इस प्रकार से टैक्स मांगता है मगर भैया जब टैक्स मांगता है कोई गरीब हो या अमीर हो उसको बक्स नहीं रहा है भोजराज कंस